हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। अब देखिए, शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, द इंडस्ट्रीज विच गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी ऐसे उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। तो शुगर इंडस्ट्रीज के लिए किसकी ज़रूरत होती है, शुगर केन की, गन्ने की। एंड इंडिया स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में गन्ना उत्पादक देशों में इंडिया की जो पोजीशन है वो सेकंड है, किसके बाद, जस्ट आफ्टर ब्राज़ील। और इसी तरह से जो शुगर प्रोडक्शन है उसमें इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, यानी चीनी के उत्पादन में भी इंडिया की जो पोजीशन है वो सेकंड है, बट ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। लेकिन गुड़ और खांडसरी के प्रोडक्शन में इंडिया की पोजीशन फर्स्ट है। तो देखिए, इट मीन्स कि इंडिया में शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स जो भी हैं, चाहे वो गुड़ है या खांडसरी है, इसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो क्या है, व्हाई द आइडियल लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स इज नियर शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज, यानी कि इंडिया में जितने भी शुगर मिल्स हैं वो शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया में ही क्यों स्थित हैं। इट मीन्स कि जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वहीं पर शुगर मिल्स क्यों हैं, उसके कुछ रीज़न हैं। अब देखिए क्या रीज़न है, फर्स्ट इज वेट लूजिंग, यानी कि गन्ना जो है जैसे ही उसकी कटाई होती है उसके जस्ट बाद उसका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि जिस समय काटेंगे ज़्यादा होगा लेकिन जितना डिले होगा उतना ही कम होता चला जाएगा। इसके बाद है बल्कि, इट मीन्स जो शुगर है, शुगर केन है वो क्या है, भारी होता है। अब भारी होता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से भी जो है वो शुगर मिल्स जो है वो शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज में होती हैं। थर्ड, पेरिशेबल, इट मीन्स शुगर केन जो है वो ख़राब हो जाता है जल्दी, और जो चीज़ें जल्दी ख़राब होंगी उन तो उसमें कोशिश क्या की जाएगी कि जल्दी से जल्दी जो है वो उसको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट, इफ देयर इज डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यदि ट्रांसपोर्टेशन में डिले होती है, देरी होती है, तो उसमें जो सुक्रोज कंटेंट है, सुक्रोज कंटेंट क्या होते हैं, शुगर कंटेंट, यानी कि सुक्रोज की मात्रा जो जिसको कहा जाता है शुगर कंटेंट्स, वो क्या होते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। अब शुगर कंटेंट्स कम हो जाएंगे तो जो वैल्यू है वो भी कम होगी। एंड द नेक्स्ट इज टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि क्योंकि ये हैवी होता है और ट्रांसपोर्टेशन में जब हम इसको बहुत दूर ले जाएंगे तो उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से मोस्टली शुगर मिल्स जो है वो नियर शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज में ही सेटअप की जाती हैं। और इंडिया में आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर शुगर मिल्स हैं, मोस्टली पंजाब, उसके बाद देखिए हरियाणा, यूपी जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और ये जो स्टेट है ये है तमिलनाडु। ये जो राज्य हैं इसमें
मोस्टली शुगर प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज है। अब कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से एक टेंडेंसी जो है वो स्टार्ट हुई है, क्या है कि जो शुगर मिल्स हैं वो मोस्टली सदर्न स्टेट में शिफ्ट हो रही हैं। अब पहले जो शुगर केन था वो मोस्टली इस एरिया में प्रोडक्शन अब भी होता है, लेकिन जो शुगर मिल्स हैं, जो चीनी मिलें हैं, वो साउथ के जो स्टेट हैं, सदर्न स्टेट जो है उसमें शिफ्ट हो रही हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि नॉर्थ की बजाय साउथ में शुगर मिल्स शिफ्ट हो रही हैं? उसके भी कुछ रीज़न हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ हायर सुक्रोज कंटेंट, यानी कि जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, या हम ये कहें कि जितने भी सदर्न स्टेट हैं वहाँ पर जो शुगर केन प्रोडक्शन होता है, उस शुगर केन में शुगर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। और जहाँ चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, इट मीन्स गन्ना जब मीठा होगा तो जो शुगर है वो भी अच्छी क्वालिटी की होगी। सेकेंड जो है वो है फेवरेबल क्लाइमेट। अब शुगर केन के लिए क्या है कि क्लाइमेट जो है वो, उसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। जितनी आर्द्रता होगी वो कम ख़राब होगा और उसका जो क्रशिंग सीज़न है वो लंबा होगा, यानी कि काफ़ी समय तक हम चीनी बना सकते हैं। क्रशिंग पीरियड बढ़ता चला जाएगा यदि ह्यूमिडिटी होगी। और जो सदर्न स्टेट हैं, चाहे हम महाराष्ट्र को लगाएं या कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन सभी में हम देखें तो रीज़न क्या है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ये भी एक फैक्टर है। थर्ड फैक्टर हम देखें तो वो क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स आर मोर सक्सेसफुल। अब मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स, जितने भी शुगर मिल्स हैं वो सभी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में हैं, यानी कि सहकारी क्षेत्र में है, जिसमें जो शुगर का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो किसान हैं उन्होंने ही शुगर मिल्स लगाई हुई है। तो उसमें कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाकर शुगर मिल लगा लेते हैं। तो नॉर्थ की बजाय जो साउथ इंडिया है वहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो ज़्यादा सफल है, यानी कि सक्सेसफुल है। इसके बाद देखिए बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, यानी कि सदर्न इंडिया को हम देखें, इंडिया के जो सदर्न स्टेट्स हैं मोस्टली वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर हैं। और जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप होंगी ही। इसके बाद आता है बाय प्रोडक्ट्स आर बेटर यूटिलाइज। बाय प्रोडक्ट्स मतलब कि जो साउथ इंडिया है, अब इस साउथ इंडिया में जो इसके बायो प्रोडक्ट्स हैं, इट मीन्स जैसे शुगर केन जो है उसको क्रश कर लिया जाता है, उसके जस्ट बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी लेटेस्ट जो है वो जो शुगर केन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि उसमें से जूस निकाल कर जो बाकी मटेरियल बच जाता है उससे बायो फ्यूल भी बनाया जाता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो रीसेंट ईयर है, यानी कि पिछले कुछ सालों से क्या है कि मोस्टली शुगर मिल जो है वो सदर्न स्टेट्स जो है इंडिया के उसमें शिफ्ट होती जा रही है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री इज चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना शुगर इंडस्ट्रीज़ को करना पड़ता है। तो उसमें देखिए चैलेंजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट चैलेंज इज सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अब देखिए शुगर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं। कैसे, हमने ऊपर देखिए यहाँ पर पढ़ा था कि शुगर केन जो है वो वेट लूजिंग है, पेरिशेबल है, एंड इफ़ देयर इज़ डिले इन ट्रांसपोर्टेशन इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस।
यानी कि ये इंडस्ट्रीज जो है वो मौसम पर आधारित है। जैसे ही शुगर केन को कट किया जाता है या उसकी कटाई शुरू होती है, उसे तुरंत शुगर मिल में भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि डिले होगा तो उसमें जो है वो शुगर कंटेंट्स कम हो जाएंगे, सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा। तो ये मोस्टली क्या हो गई कि जैसे ही इसकी कटाई स्टार्ट होती है, शुगर मिल स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही प्रोडक्शन यानी कि शुगर केन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, शुगर में, यानी कि उसका प्रोडक्शन हो जाता है शुगर का, ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं। तो इसलिए ये क्या है, सीजनेबल है, यानी कि पूरे साल इन इंडस्ट्रीज में काम नहीं होता, साल के कुछ ही महीनों में काम होता है। इसलिए जो है वो जो भी इस इंडस्ट्रीज को लगाते हैं मोस्टली पूरे साल उनको काम नहीं मिलता, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोग उसी इंडस्ट्रीज को लगाना चाहते हैं जो पूरे साल चलती है या जिनमें पूरे साल काम होता है। द सेकेंड इज़ ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन जो किया जाता है शुगर केन से शुगर बनाई जाती है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो काफ़ी पुरानी है, और पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो भी बेटर नहीं हो पाता। एंड द थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग शुगर केन टू फैक्ट्रीज। अब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, जिससे क्या होता है कि कटाई के बाद जो शुगर केन है उसको इंडस्ट्रीज तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है, और जैसे ही ज़्यादा समय लगेगा आपको मालूम है कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। एंड द नेक्स्ट इज़ नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज, इट मीन्स बैगेज क्या होता है, जिसको कहा जाता है खोई। खोई मीन्स जब शुगर केन जो है उसमें से जब जूस निकाल लिया जाता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो बच जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो चैलेंज क्या है कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी है इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि कुछ रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। उसमें क्या है, इसका बायोफ्यूल भी बनाया जाता है, इसके अलावा इसको पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि जितने भी चैलेंजेस हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनको दूर किया जाए, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सके।